रुक करते हैं इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां शहर में चोरों ने मचाया आतंक, एक साथ सात घरों को बनाया निशाना। माता पूजन के दौरान चोरी की घटना को दिया अंजाम। सोने चांदी के आभूषण व नकदी लेकर हुए फरार। हीरानगर थाना क्षेत्र स्थित कॉलोनी की पूरी घटना बताई जा रही है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं इंदौर से हमारे सहयोगी हार्दिक प्रजापत के साथ। हार्दिक, बताइए क्या है पूरा मामला? जी, मैं बताना चाहूंगा कि माता पूजन के दौरान सात घरों में बदमाशों ने अपना चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पास कॉलोनी है और रात को सभी माता बहनें अपने घरों से निकलकर पूजा करने के लिए गई थी, तभी इस पांच छह बदमाश आए, जो सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जी हार्दिक, जिन सीसीटीवी कैमरे में जो बदमाश नजर आ रहे हैं, क्या उनकी पहचान हो चुकी है? नहीं, अभी सीसीटीवी फुटेज में जो बदमाश है वो अज्ञात बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने एक टीम गठित करी है, शीघ्र ही बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा इस मामले में। जी, इन चोरों ने कितने घरों को निशाना बनाया, साथ ही कितने का माल ये जो है वो लेकर के रफू चक्कर हुए? ये करीबन 10 से 12 लाख रुपए का माल लेकर रफू चक्कर हुए और सात घरों का अपना निशाना बनाया बदमाशों ने। जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे थे आप, जहां पर शहर में चोरों ने मचाया आतंक, एक साथ सात घरों को बनाया निशाना।